तो हे गाइस, दिस इज शुभम हियर, बैक अगेन टू अदर इंटरेस्टिंग वीडियो। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों, लुमा फ्यूजन सॉफ्टवेयर में आप किस तरीके से कलर ग्रेडिंग करते हो, ए परफेक्ट कलर ग्रेडिंग जो कि काफ़ी नेचुरल टाइप का लगे, इस टाइप का मैं आपको दिखाने वाला हूँ किस तरीके से कलर ग्रेडिंग करते हैं। अब बहुत ही स्मूथ टाइप का लगेगा, क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा दोस्तों। तो आओ यार, बिना देर के दोस्तों स्टूडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ प्रॉपर वे में, आपको बताऊँगा। आपको इस तरह से टाइमलाइन पे जाकर इसको खोल लेना है अच्छे से, उसके बाद क्लिक करना है दोस्तों आपको ओरिजिनल पे। यहाँ पे ओरिजिनल के नाम से आ गया और यहाँ पे अपने अनुसार से मैं आपको दिखा देता हूँ सारा का सारा। उसके बाद अपने अनुसार से मैनेजमेंट करना है किस तरीके से किसको करना है, पहले देख लो कैसे कैसे करता हूँ। ब्लैक को थोड़ा सा इधर ले गया, अपने अनुसार से देखा इफ़ेक्ट क्या क्या आ रहा है फेस पर, तो थोड़ा थोड़ा मैनेजमेंट करोगे ना ऑब्वियसली गाइज अच्छा हो जाएगा। तो इसमें क्या एक दूसरे से लिंक होता है, अगर आप वाइट को ज़्यादा बढ़ाओगे तो ऑटोमेटिक भी ब्लैक ऑटोमेटिक चेंज होगा। तो उसके अकॉर्डिंग जो है आप इस लेवल को कंट्रोल कर सकते हो, कितनी लाइट चाहिए जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आप भी कर सकते हो। इस तरीके से करने के बाद जो मैं बताता हूँ अच्छे से, पहले इसको नेचुरल फील कराना कि नेचुरल है, ऐसा नहीं कि टिकटॉक का ऐसा लिप देना कि खराब ही लगे देखने में, नेचुरल दिखाना। उसके बाद जो है ब्राइटनेस अगर ज़्यादा लगे तो टोटल ब्राइटनेस कम कर लेना, कंट्रास्ट कम बेसी लगे अपने अनुसार देख लेना, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और एक ट्रिक देता हूँ यार, 15% से ना बेसी कुछ भी बढ़ाना ही नहीं है चाहे कुछ हो जाए। उसके बाद जैसे मैं दिखाता हूँ सेचुरेशन बढ़ाया, उसके बाद जो भी बढ़ाना है आपको 15% से लमसम में बढ़ाना है, मतलब 0.22 बढ़ाया ऑब्वियसली चल सकता है, ये तो हाईलाइट चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। देख रहे हो यार कितना अच्छा कलर ग्रेडिंग कर रहा हूँ, एक कैसा वीडियो हुआ करता था और कैसा मैं कर दिया उसको। उसके बाद जो है आप हल्का सा रेड कलर बढ़ा सकते हो, रेड कलर बढ़ाने के बाद काफ़ी अच्छा लगता है। और उसके बाद इसको एडिटी छोड़ देता हूँ, उसके बाद थोड़ा सा इसको भी मैं बढ़ा देता हूँ और देख रहे हो सारा का सारा इफेक्ट आप फेस पे देख रहे हो। उसके बाद ये भी अपने अनुसार से चेंज करना है, थोड़ा सा अच्छा लगे फेस पे, इसको जुड़ो रहने देते हैं, हमेशा ह्यूज खराबी होता है। उसके बाद टिंट में आ जाते हैं, टिंट में भी गैज अपने अकॉर्डिंग यूज करना है, आप जिस भी कलर में करना चाहोगे। ये बेसिकली फेस पे ज़्यादा नहीं आएगा प्रॉपर वे में, क्योंकि अगर रेड कर देते हो तो बहुत ज़्यादा रेड हो जाएगा इस टाइप से, लेकिन हल्का कलर ग्रेडिंग करने के लिए ये बेस्ट सॉफ्टवेयर गाइज। तो इस तरीके से यहाँ पर आप कर सकते हैं और बहुत ही ईजी है, जैसा कि आप देख रहे हैं इसको मैं लास्ट ना वाइट में डाल दूंगा क्योंकि ये मैं ट्राई कर रहा था। और इस तरीके से आप भी अपने वीडियो में ट्राई कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे उसके अकॉर्डिंग करना। तो इस तरीके से टिंट को मैनेजमेंट करते हैं, फिर लास्ट में मैं वाइट पे ले गया, वाइट पे ले आके छोड़ दिया, तो वाइट पे ये जो कलर ग्रेडिंग हुआ काफ़ी अच्छा हुआ गाइज। उसके बाद ये सारा कुछ करने के बाद मुझे लगा यार सब कुछ ठीक है, और भी कुछ कर सकता हूँ, तो फिर मैं बताता हूँ यार इफेक्ट को मैं सेव कर लिया हूँ इस तरीके से। इफेक्ट को सेव करने के बाद क्या होता है कि इन द फ्यूचर आपको जरूरत पड़े तो आप इस इफेक्ट को दोबारा इस्तेमाल कर सकते हो। मान के चलो ये ओरिजिनल वाला जो इफेक्ट है मैं डिलीट कर देता हूँ अभी, और डिलीट करने के बाद जो है मैं वापस उसको ऑन कर सकता हूँ। देखो दिखाता हूँ, ये जो इफेक्ट है मैं डिलीट कर दिया ओरिजिनल वाले को, सॉरी लट्स गया, ओरिजिनल को भी मैं डिलीट करके दिखाता हूँ इस तरीके से, और ग्रीन स्क्रीन को भी हटा ही देता हूँ, ये वाला भी चलो हट गया। उसके बाद जो है अब क्या करना है, आ जाओ इफेक्ट में इस तरीके से दोस्तों, एक बार क्लिक करने के बाद ही ये सारा वर्क करना स्टार्ट हो जाता है। देख सकते हो, देख रहे हो कितना अच्छा कलर ग्रेडिंग है, इसके पहले जो कलर ग्रेडिंग था उस लेवल का नहीं था।